फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बूटी किस तरीके से बनती है इसकी वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने 0 से 18 फंदे राइट में ले रही हूँ और 0 से 18 फंदे में लेफ्ट में ले रही हूँ। इसको 2x1 की बॉर्डर बनाऊंगी। देख लीजिए, इस तरीके से मैंने नीडल को सिलेक्ट कर दिया है और 2x1 की इसकी मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं हाथ से एक रो डालूंगी। देख लीजिए, इस तरीके से मैं नीडल्स में फंदा डाल रही हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, किस तरीके से मैं बना रही हूँ। इस तरीके से मैं नीडल्स में फंदा डाल रही हूँ। ये 0 से 3 मंथ्स बेबी के लिए मैं बूटीज बना रही हूँ। इस तरीके से नीडल्स में आप लोग फंदा डाल देना। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसमें नीडल्स में फंदे डाल रही हूँ। बहुत आसान है ये वाला, आप हाथ से भी बना सकते हैं। हम इसको मशीन से बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कैरेज में डाल दिया और इसको मैं 9 नंबर पे बना रही हूँ। देख लीजिए, इसको मैंने कैरेज में डाल दिए और इसको मैं 9th नंबर पे बना रही हूँ। तो इसको मैं 20 रो की बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको 20 नंबर, मैंने काउंटर को 0 पे सेट कर दिया है। एक रो इस तरीके से 2-4 रो में हाथ से निकाल दूंगी। देख लीजिए, 2-4 रो में हाथ से निकाल दे रही हूँ इस तरीके से। फिर मैं इसमें कॉम लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से निकाल दे रही हूँ। 2-4 रो लगाने के बाद इसमें कॉम लगा कर दिखाऊंगी। अब देखिए, इसमें मैं कॉम लगा देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, 20 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से मैं 20 रो बना लेती हूँ। देखिए, 20 रो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो जो खाली नीडल्स है उसमें जो ये खाली जाली जाली दिख रहा है, इसको मैं इसी में डाल दूंगी। तो इसको मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर फोल्ड करने के बाद मैंने इसको कलर चेंज कर दिया है। तो व्हाइट कलर से मैं 2 रो लगाऊंगी। देख लीजिए, मैं व्हाइट कलर से 1, 2, फिर रेड कलर से 4 रो लगाऊंगी। 1, 2, 3, 4। देखिए, रेड से मैंने 4 रो लगाया। फिर मैं व्हाइट से 2 रो लगाऊंगी। 1, 2। इस तरीके से मुझे जितना लेंथ चाहिए मैं आप बना के आपको दिखाऊंगी। देखिए, रेड से मैं 4 रो लगा रही हूँ और व्हाइट से मैं 2 रो लगा रही हूँ। 1, 2। इस तरीके से इसकी लेंथ कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितना तक बनाया। 1, 2, 3, 4। अब देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4 व्हाइट से मैंने 4 रो लगाए हैं। 4 लाइन जो है मेरे व्हाइट वाली है और रेड वाली 3 लाइन है। तो अब मैं जो 2 रो इस रेड से बनाऊंगी, फिर इसकी एरी बनाऊंगी। तो 22 रो पे मैं इसकी एरी बनाऊंगी। 1, 2। देखिए, 22 रो बना दिया। अब मैं इधर से सारे नीडल्स निकाल दूंगी, सिर्फ 9 नीडल्स इधर रख दूंगी। 2, 4, 6, 8, 9। देखिए, 9 नीडल्स है, बाकी नीडल्स में सारे बाहर कर दी। इस तरफ मुझे एरी बनानी है। 2, 4, 6, 8, 9। जो टक बटन है, मेरे टक बटन अपने साइड में कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे टक बटन है इस साइड का, जो मेरे बटन है, इस बटन को मैं अपने साइड में कर दिया, क्योंकि ये नीडल्स मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ अंदर वाले नीडल्स बनाना है। तो इस नीडल्स को, ये जो 12 नीडल्स है, इसको मैं 9 नीडल्स है, इस 9 नीडल्स को मैं बराबर बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, बराबर बनाने के बाद इस नीडल्स को मैं बंद कर दूंगी। एक नीडल्स रहेगा, इसको मैं सारे बंद कर दूंगी। तो इसको मैं क्लोज करती हूँ। देख लीजिए किस तरीके से मैं इसको बंद कर रही हूँ। इस तरीके से मैं सारे नीडल्स को बंद कर दूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, ये सारे नीडल्स बंद कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ से 6 फंदे और उठाने हैं। जहाँ ये जैसे मैंने बनाया 12 रो, देखिए ये जो मैंने 12 रो बनाए इस खाली जगह से, मुझे 6 नीडल्स और बना लेनी है। तो जैसे ये मैंने 7 छोड़ देंगे, 2
चार छः सात, देखिए सात नीडल्स, इस नीडल्स में मैं एक नीडल्स इसको डाल दूंगी, बाकी मैं एक एक करके यहाँ से छः फंदे उठा लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं उठा लूँगी, एक इधर से मैं छः नीडल्स ऐसे करके उठा लूँगी, दो तीन चार पाँच छः, देखिए टोटल सात नीडल्स है, दो चार छः और एक सात, देखिए ये टोटल सात नीडल्स मैंने उठा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, सात नीडल्स उठाने के बाद एक रो में सारे नीडल्स को बना लूँगी। तो टक बटन फिर मैं लेफ्ट साइड में कर दिया है, देख लीजिए टक बटन है जो मैंने फिर पहले मैंने इस साइड में रखा था, फिर मैं इस साइड में रख रही हूँ ताकि मुझे सारे फंदा बनाना है। तो मैं एक रो बना लेती हूँ, देखिए मैंने एक रो बना दिया है। एक रो बनाने के बाद देखिए इस साइड से सारे नीडल्स निकाल दूंगी, नौ नीडल्स रहते हुए इस साइड की एरी बनानी है मुझे। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस साइड की जो लेफ्ट साइड की एरी है उसको बनाऊंगी, दो चार छः आठ नौ, देखिए दो चार छः आठ नौ, नौ नीडल्स हो गया है। अब मैं टग बटन के फिर से मैं अपनी तरफ कर दूंगी, जैसे मैंने इस साइड में किया था टग बटन को फिर से मैंने राइट साइड में कर दिया है। तो अब मैं फिर से बारह रो बनाऊँगी, देखिए फिर से मैं ट्वेल्व रो बनाऊँगी सिर्फ ये जो अंदर वाले नीडल्स को, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, देखिए बारह नीडल्स बारह रो मैंने बना दिया है। बारह रो बनाने के बाद इसको सारे क्लोज करूँगी, फिर जैसे मैंने इधर से फंदा उठाए थे सेम इसी प्रोसेस से इधर से भी मैंने फंदा उठाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बारह रो इसको क्लोज करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो नीडल्स नौ नीडल्स मैंने रखे थे, इस नौ नीडल्स को मैं बंद कर दूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात देखिए मैंने इधर से सारे नीडल्स क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद देखिए अब जो है मेरे को सात फंदे और लेने हैं, इसको मैं फिर छह नीडल्स आगे कर दूंगी। देखिए इधर से मैं सात नीडल्स में टोटल रखना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब इधर से मैं एक एक नीडल्स उठा लूंगी, देखिए एक दो तीन चार पाँच देखिए मेरे टोटल सात उठा लिए, दो चार छः सात, जो सात नीडल से इसको उठा दिया है। अब मैं इसमें फोर रो लगा के इसमें मैं फोर रो इस धागे से बना के देखिए मैं चार रो कंप्लीट करूँगी और तीन रो बनाऊँगी इस धागे से, फिर मैं व्हाइट रो लगा दूंगी। देखिए सॉरी, इसको टक बटन को उस साइड में करना था। अब मेरे को सारे नीडल्स बनाना है इसलिए टक बटन को मैंने लेफ्ट साइड में दोबारा कर दिया है। अब मैं सारे नीडल्स बना दूंगी, अब देखिए फ्रेंड्स एक रो मैंने बना ली, अब चार रो इस धागे से बना के फिर व्हाइट धागा लगाऊंगी, दो तीन चार, देखिए मैंने चार रो लगा दिया इस धागे से। अब मैं दो रो व्हाइट से लगाऊंगी, एक दो, फिर से मैं चार रो रेड से लगाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स एरी बनाने के बाद जो मैंने रेड कलर से चार रो बनाए हैं, फिर व्हाइट से मैंने दो रो बनाए हैं, फिर से मैंने रेड से चार रो, फिर से व्हाइट से दो रो, इस तरीके से एरी के बाद मैंने 28 रो बनाए हैं। 28 रो के बाद जितने भी नीडल्स हैं मैं दो फंदे को एक करके ऐसे कर दूंगी, देखिए दो फंदे को मैं एक करके बना दूंगी, इस तरीके से दो फंदे एक कर दिया है, फिर मैं दो फंदे को एक कर दूंगी, इस तरीके से मैं दो फंदे को एक करके
देखिए इस तरीके से मैं दो फंदे को एक कर दूंगी। फिर सारे नीडल्स को पास पास लेके देखिए इसको इस तरीके से मैं पूरा रो बनाऊंगी। और फ्रेंड्स ये मेरे नीटिंग के रिलेटेड चैनल है, इसमें आपको मैक्रम मिलेंगे, मैक्रम के रिलेटेड कुछ भी आइटम चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। और नीटिंग के रिलेटेड जैसे नीटिंग मशीन हो गया, वूल हो गया, बटन हो गया, नीटिंग के रिलेटेड नीटिंग मशीन की कार्ड हो गया, सिंपल नीटिंग मशीन, पंच वाली नीटिंग मशीन, रिबोर्ड वाली मशीन, कुछ भी चाहिए वो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे और वो भी बहुत कम प्राइस में। तो आप लोग मेरे चैनल में ज़रूर कमेंट करें अगर कुछ भी आइटम आपको चाहिए, या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें। मैं अपने चैनल पर अपने नंबर शो करती हूँ, तो आप लोग उसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं दो को एक करके फिर मैं सुई में डाल के आपको दिखाऊंगी किस तरीके से करना। देखिए फ्रेंड्स मैं पास पास भी कर रही हूँ, जैसे दो को एक कर रही हूँ, जैसे ये दो वाली फंदे को एक कर रही हूँ, फिर ये जो नीडल्स है इसको भी मैं आगे आगे लेके जा रही ताकि जो मेरे खाली नीडल्स है वो खाली ना रहे। देखिए दो को एक कर रही हूँ इस तरीके से, मैंने दो को एक कर रही हूँ और इसको सारे फंदे को भी मैं आगे आगे लेके जा रही हूँ। देखिए फिर से मैं इसको दो को एक कर दूंगी, पहले मैं दो को एक करके सारे कर लेती फिर इसको मैं क्लोज पास पास लेके आपको दिखा दूंगी। देखिए इस तरीके से दो को एक करना है, सारे नीडल्स को दो को इस तरीके से हम कर देंगे। इसको आप हाथ से भी कर सकते हो, नीडल्स में उतर के दो फंदे को एक करके सारे नीडल्स को आप धागे में पिरो के इसको खींच देना। देखिए अब मैंने ये जो नीडल्स है इस नीडल्स को हम आगे आगे ले जाएंगे क्योंकि ये खाली है, फिर मुझे एक रो और बनाना है नहीं तो जाली आ जाएगा, अगर हम पास पास नहीं ले जाएंगे फिर इसमें जाली पड़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको करना है, जो खाली हो गया उसमें आगे आगे ट्रांसफ़र करना है सबको। देखिए आप लोग एक साथ भी कर सकते हो, देखिए इसको आप एक साथ भी कर सकते हो इस तरीके से दो बाय एक, या देखिए मेरे पास 3x1 है वो वाले टूल्स में इसको आगे आगे कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स एक साथ तीन निकल दिया, तीन निकलने के बाद आगे कर दूंगी तो मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए देखिए तीन कर दिया, अब ये दो रह गया, दो को भी आगे कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से फिर से हम इधर से भी कर देंगे। देखिए ये तीन है, इस तीन में ट्रांसफर कर देंगे तो जो खाली है वो आगे एक नीडल्स कम हो जाएगा। देखिए एक साथ कर रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से करना है, आप देखिए तीन नीडल्स हैं, देख रहे हैं फिर से खाली हो गया। तो इधर सारे पास पास ऐसे करके लेके जाएंगे, बिल्कुल सारे नीडल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल करके आपको दिखाती हूँ, आप देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे नीडल्स को मैं बिल्कुल उसमें पास पास कर दिया, एक भी नीडल्स गैप नहीं है। तो इसमें मैं एक रो लगा के सारे नीडल्स को सुई में उतार दूंगी। तो देखिए एक रो लगा के ये जो नीडल्स है इसमें धागे को मैंने सुई में डाल के इस तरीके से कर दूंगी। देख लीजिए इसको मैं धागे में डाल देती हूँ, देखिए इसमें धागे में डाल के इसको मैं सुई में उतार लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे को निकलना है धागे में, देखिए इस तरीके से डाल रही हूँ। इस तरीके से डालना है, फिर हमें खींचना है पूरा, जब हम निकल लेंगे फिर हम इसको खींच देंगे। देखिए इस तरीके से हम निकल के आपको दिखाते हैं सारे नीडल्स को, इस तरीके से मैं सारे नीडल्स को उतार लेती हूँ सुई में। आप लोग राइट साइड से भी कर सकते हो, देखिए इस तरीके से करना है, इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सारे ऐसे उतारने के बाद देखिए इसको हमें खींचना है इस तरीके से, इसको हल्का सा गोलाई देना है, जैसे हम कैप बनाते हैं कैप में गोलाई देते हैं इस तरीके से इसको हमें गोलाई देना है। इस तरीके से हमें इसको गोलाई देना है हल्का सा, देख लीजिए उल्टी तरफ से कर रही हूँ मैं, फिर इसको खींच देना है।
देखिए इसको हम खींच देंगे। इसको खींच के हम जैसे ये करते हैं सिलाई लगाते हैं, फिर इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है। देखिए जैसे हम सॉक्स में सिलाई लगाते हैं, यहीं से लेके एरी को हम दोनों बिल्कुल बराबर मिला के इस तरीके से, जैसे हम एरी को बराबर मिला के बिल्कुल इस तरीके से हम इसको सिल देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक